हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस इंडिया कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे धनिया की चटनी। तो चलिए इसे बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये मैंने हरी धनिया ली है 100 ग्राम। इसको मैंने मोटे मोटे अच्छी तरह से कट कर लिया है। देखिए, कट कर रही हूँ, अच्छी तरह से मोटे मोटे कट कर ली हूँ। और ये टमाटर है, एक टमाटर है, इसको मैं मिक्सी जार में इसको ग्राइंड करूंगी। देखिए, धनिया के पत्ते मैं इसमें रख रही हूँ। ये देखिए, लहसुन है, 4-5 लहसुन है, 4-5 लहसुन है। और ये 2 मिर्च, हरी मिर्च को मैंने तोड़ कर रख लिया है। और एक चम्मच अदरक है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और जीरा है, जीरा डाल दिया। और स्वादानुसार नमक डाल दिए। और एक टमाटर डाल दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, हरे धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। हरे धनिया में इस मेटाबॉलिक रेट को हाई करती है और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ये देखिए, मेरी धनिया पीस कर तैयार हो गई। मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से टेस्टी हमारी स्वादिष्ट धनिया की चटनी तैयार हो गई। और इसमें मैं एक लेमन को निचोड़ दूँगी। ये देखिए, आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। समोसे, पकौड़े, पूरी, किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए,